हेलो एवरी वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लेसन नंबर एट फॉर फिफ्थ क्लास सोशल स्टडीज इन दैट अवर चैप्टर द नेम इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो बच्चों आज हम हमारा एट्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द सम पार्ट ऑफ द एट्थ चैप्टर इन दैट वी डिस्कस अबाउट द नीड फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड यूजेस ऑफ रोडवेज एंड आई एम फ्रॉम यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल सो बच्चों आज हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का सेकेंड पार्ट देखने वाले मतलब फर्स्ट क्लास में हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ रोडवेज के बारे में डिस्कस किया हुआ है आज हम रेलवेज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आई एम फ्रॉम यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल सो लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द

ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है उसके बारे में पढ़ चुके हैं अगर हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर जाना है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ लेना ही पड़ता है किसी तो वाहतुक का यूज़ हमें लेना पड़ता है कहीं भी जाना हो मॉल जाना हो या घर से बाहर किसी दूसरे गांव जाना हो तो हमें ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर लेना पड़ता है वाहतुक का यूज़ कर लेना पड़ता है उसमें ही रेलवे एक मेजर पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन का इसीलिए हम रेलवे के बारे में पढ़ने वाले हैं सो so, ट्रेन आर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया ये जो ट्रेन्स है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है मतलब लोकप्रिय जिसे कहते हैं इंडिया में ट्रेन्स का ज़्यादा यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए दे आर वेरी यूजफुल फॉर कैरिंग हैवी गुड्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन का यूज़ क्यों होता है तो ट्रेन ज़्यादा यूजफुल है कैर किस लिए है तो कैरिंग मतलब वाहतुक जो हम लेकर साथ में लेकर जाते हैं कैरी करते हैं हेवी गुड्स मतलब वजनदार जो सामान होता है गुड्स मतलब सामान हेवी मतलब वजनदार वज़नदार जो सामान होता है उसे कैरी करने के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस मतलब ज़्यादा दूर तक जाने के लिए हमें ट्रेन का यूज़ कर लेना पड़ता है ट्रेन हमारे लिए यूजफुल है दे आर वेरी कन्वीनियंट टू ट्रैवल टू फार ऑफ प्लेसेस कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक ट्रैवल मतलब ट्रैवल करना है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर जाने के लिए जो हम क्रिया करते हैं उसे ट्रैवल कहते हैं फार एफ ए आर फार मतलब दूर अगर हमें दूर से दूर तक प्लेस को जाना है तो ट्रेन हमारे लिए सुविधाजनक है ट्रैवल मतलब प्रवास करना जिसे कई हिंदी में प्रवास कहते हैं प्रवास करने के लिए हमें ट्रेन का यूज होता है द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे बिगेन विथ द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजिन डेवलपमेंट मतलब विकास इन्वेंशन मतलब अविष्कार स्टीम इंजन मतलब एक इंजन है जिसका स्टीम के यूज से वो चलता है तो जो विकास है रेलवे का विकास कहाँ से स्टार्ट हुआ तो जब स्टीम इंजन का पता चला मतलब स्टीम इंजन इन्वेंट हुआ जब स्टीम इंजन का शोध लगा तभी डेवलपमेंट रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ मतलब विकास होने शुरू हुआ इट वॉजटेड बाय इट वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स वैट वेरी सुन इट वॉज यूज टू रन द ट्रेन्स तो जब जेम्स वैट नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने स्टीम इंजिन का जब शोध लगाया उसके बाद उसके तुरंत ही वेरी सुन मतलब उसके तुरंत ही ट्रेन्स का ट्रेंस को बनाया गया और ट्रेंस भागने लगे मतलब दौड़ने लगे रन मतलब भागना इनिशियली कोल वॉज यूज टू प्रोड्यूस स्टीम, बट नाउ डिज वी यूज पेट्रोल डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी टू रन ट्रेंस तो इनिशियली मतलब शुरुआत में कोल मतलब कोल सा जिसे हम कहते हैं तो शुरुआत में कोल का यूज होता था स्टीम बनाने के लिए स्टीम मतलब वाफ जिसे कहते हैं हम वेफर फॉर्म में रहता है वाफ जिसे कहते हैं वो स्टीम बनाने के लिए कोल का यूज़ करते थे बट नाव डेज़ वी आर यूजिंग पेट्रोल डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी बट हम आज अभी हम जो मॉडर्न हो चुके हैं इसलिए आज हम पेट्रोल डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं ट्रेन को भगाने के लिए पेट्रोल डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं ट्रेन्स द ट्रेन्स रन ऑन द आयरन रेल्स तो ट्रेन्स किसके ऊपर भागती है रन मतलब भागना तो ट्रेन रेल्स के ऊपर भागती है और वो आयरन मटेरियल से बना हुआ रहता है द स्पीड एंड कैपेसिटी ऑफ रेलवेज टू कैरी लोड और गुड्स इन एनहांस्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपल ट्रक्स एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मॉडर्न सिंगलिंग सिस्टम तो स्पीड एंड कैपेसिटी ऑफ रेलवे टू कैरी लोड और गुड्स तो जो रेलवे uh, का स्पीड एंड कैपेसिटी रहता है वो अभी बढ़ाया गया है वाहतुक कैरी मतलब वाहतुक मतलब ट्रेन uh, से जाने के लिए जो उसके ऊपर लोड और गुड्स मतलब लोड मतलब वजन गुड्स मतलब सामान जो ट्रेन वजन और सामान जो कैरी करता है उसका ट्रेन का लोड और गुड्स कैरी ट्रा, करने के लिए उसका कैपेसिटी बढ़ाया गया है एनहांस्ड मतलब बढ़ाना कैसे बढ़ाया गया है तो बाय कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन मतलब उसको कंस्ट्रक्शन करके बढ़ाया गया है कैसे किया है तो मल्टीपल ट्रक्स उसको अटैच किया है ज्वाइन किया है इंस्टॉल किया है मतलब ट्रेन के डिब्बे बढ़ाए गए हैं जो पीछे ट्रक मतलब डिब्बे जो रहते हैं ट्रेन के उसे बढ़ाकर उसका स्पीड एंड कैपेसिटी उसका बढ़ाया गया है द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन रेलवेज फॉर रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट हैज़ इंक्रीज द आउटपुट ऑफ रेलवे जब से कंप्यूटर का यूज होने लगा है रेलवे में तभी रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट जो रिजर्वेशन uh, क्या होता है तो अगर हमें किसी गांव जाना होता है सपोज हमें मुंबई जाना है तो हम पहले ही टिकट बुक करते हैं मुंबई जाने से पहले आठ दिन पंद्रह दिन जब हमें टाइम मिलता है तभी टिकट बुक करते हैं उनको बोलते हैं कि आ, हमें इस हमें बेंगलोर से मुंबई जाना है तो वो हमें आ, हमारा एक सीट रिज़र्व करके रखते हैं हमारे लिए उस डेट को हम जिस डेट को बोलते हैं उस डेट को रिज़र्व करके रखते हैं उसे हम रिजर्वेशन कहते हैं एंड मैनेजमेंट हैज़ इंक्रीज द आउटपुट ऑफ द रेलवे इसकी वजह से रेलवे का मैनेजमेंट और रिजर्वेशन की वजह से आउटपुट बढ़ गया है आउटपुट मतलब उनको रेलवे वालों को फायदा होने लगा है फ़ायदा उनका बढ़ चुका है रेलवेज हैव हेल्पड इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रेलवे का जो मदद है अभी रेलवेज जो मदद है उनको रेलवे वालों को उनका ग्रोथ मतलब वाढ़ डेवलपमेंट मतलब विकास जो इंडस्ट्री रहता है रेलवेज़ का वो वर्ल्ड में अलग अलग पार्ट्स में बढ़ गया है उन लोगों को हेल्प होने लगा है रेलवे वालों को इंडस्ट्री वर्ल्ड के अलग अलग ठिकान पर इंडस्ट्री डालने में उनको हेल्प होने लगा है और उसका विकास भी बढ़ गया है और उसकी वार्ड भी ज़्यादा हो रही है दे कैरी रॉ मटेरियल फ्रॉम माइन्स एंड फॉर्म्स टू फैक्ट्रीज तो ट्रेन क्या करती है तो रॉ मटेरियल भी कैरी करती है ट्रेन में इंसान भी बैठ कर ट्रेवल कर सकते हैं एज़ वेल एज वो क्या करती है रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान जो रहता है जो ज़मीन में मिलता है माइंस के थ्रू एंड फॉर्म्स में जो धान्य रहता है हमारा जो तूर मूंग दाल जो ये सब कुछ रहता है फॉर्म्स में जो मिलता है वो फैक्ट्रीज़ को लेकर जाती है और फिनिश्ड प्रोडक्ट टू टाउन एंड सिटीज़ और फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब एक प्रोडक्ट बनाकर वो हमें रिटर्न बेचती है कहाँ पर टाउन एंड सिटीज़ में बेचता है ट्रांसफर करने के लिए ट्रेन का हमें यूज़ होता है मतलब टोटली ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है सम लग्जरियस ट्रेन लाइक द पैलेस ऑन द व्हील्स द रॉयल हैव अल्सो बिन इंट्रोड अभी जो सम इम्पोर्टेंट ट्रेन है जो लग्जरियस ट्रेन है एंड पैलेस ऑन व्हील्स द रॉयल औरिएंट जो ट्रेन है उनका भी इंट्रोडक्शन हुआ है उन ट्रेन की क्या स्पेसिलिटी है तो उनमें थोड़ा सुविधा अच्छा रहता है वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है यहाँ पर एक पिक्चर है पैलेस ऑन व्हील स्टैंड बोल के एक पिक्चर आपको बताया गया है आपका बुक का पेज नंबर फिफ्टी सेवन के ऊपर ये पिक्चर है नेक्स्ट इन अब हम इंडिया में ट्रेन कैसे आए कौन लेकर आए उसके बारे में डिस्कस करेंगे इन इंडिया रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन एटीन फिफ्टी थ्री तो इंडिया में रेलवेज कैसे आए तो जो हमारे इन एटीन फिफ्टी थ्री में हमारे देश के ऊपर ब्रिटिश लोगों का राज्य था मतलब हम उनके स्वाधीन थे हमारा इंडिया तब इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था तो तभी ब्रिटिश लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको जो हमारे इंडिया में से जो सामान लेकर जाना था जो वो मसाले हो या कुछ हमारा सोना पैसा कुछ वो लेकर जाने वाले थे उनको प्रॉब्लम हो रही थी समुद्र के मार्ग से जाने से जाने के लिए उनको प्रॉब्लम हो रहा था तो और इंडिया में से ही ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी उनको प्रॉब्लम हो रहा था तभी रथ थे घोड़े उनका यूज़ किया जाता था मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए तभी एनिमल्स का यूज़ किया जाता था उसको देखकर उनको एनिमल्स से प्रॉब्लम होने लगने के बाद वो ब्रिटिश लोगों ने ट्रेन्स का इंट्रोडक्शन भारत में दिया मतलब ट्रेन्स को भारत में इंडिया में लेकर आए कब लेकर आए तो एटीन में लेकर आए द फर्स्ट ट्रेन रैन फ्रॉम मुंबई टू ठाणे तो पहला ट्रेन कहाँ से कहाँ दौड़ा भारत में तो so, मुंबई से ठाणे को पहला ट्रेन भारत में दौड़ा टुडे इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज इन एशिया अब आज एशिया ये जो एशिया महाद्वीप है कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट में हमारा जो कॉन्टिनेंट एशिया है वहाँ पर इंडिया है रेलवे का इंडिया में ही रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है एंड सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड और सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क जो रेलवे का कहाँ पर है तो हमारे इंडिया में ही इट हैज़ ट्रेन विच हैव स्पीड ऑफ ओवर वन ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर और हमारे पास जो ट्रेन का स्पीड है कितना स्पीड से ट्रेन भागती है तो वन ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर मतलब एक घंटे में ट्रेन वन ट्वेंटी किलोमीटर तक भागती है शताब्दी एंड राजधानी आर टू ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन हमारे इंडिया में शताब्दी एंड राजधानी नाम की दो ट्रेन है वही ट्रेन ज़्यादा तेज भागते हैं फास्टेस्ट मतलब तेज भागना देर इज़ अ प्रोपोजल टू स्टार्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया नियर इन नियर फ्यूचर अब हमारे पास इंडिया में एक प्रोपोजल आया है बुलेट ट्रेन स्टार्ट करने का प्रोपोजल वो आया है और वो कब स्टार्ट होने वाला है तो फ्यूचर में स्टार्ट होने वाला है प्रोपोजल मतलब मागनी। बुलेट हैव हाँ स्पीड ओवर किलोमीटर पर आवर और जो ए बुलेट ट्रेन है उसका स्पीड कितना होता है पर आवर को तो एक घंटे में वो थ्री हंड्रेड किलोमीटर तक भागती है द फर्स्ट बुलेट ट्रेन विल रन बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद तो पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ दौड़ेगी तो मुंबई से अहमदाबाद को दौड़ेगी कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोरियडर बिगेन ऑन फोर्टीन सप्टेम्बर टू थाउजेंड सेवनटीन एज पर शेड्यूल मतलब बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन मतलब बुलेट ट्रेन कब से बनने के लिए स्टार्ट होती है कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ चीज बनने के लिए जो प्रोसेस होता है वो उसका कंस्ट्रक्शन मतलब बांध काम जिसे कहते हैं मगर जब ट्रेन बनाने के लिए बनाते हैं उसे कंस्ट्रक्शन कह है यहाँ पर तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कोरिएंडर बिगेन ऑन फोर्टीन सितंबर 2017 तो चौदह सितंबर 2017 में बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन मतलब बुलेट ट्रेन बनाने का कार्य शुरू हुआ है एज पर शेड्यूल मतलब उसका टाइम टेबल शेड्यूल मतलब टाइम टेबल उसका उनके टाइम टेबल से 2017 14 सितंबर को उसका कंस्ट्रक्शन मतलब बुलेट ट्रेन बनाना शुरू हुआ है एंड द फर्स्ट बुलेट ट्रेन इज शेड्यूल्ड टू ल्यू फॉर फर्स्ट रन ऑन फिफ्टींथ ऑगस्ट 2022 और एक बुलेट का जो कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है बुलेट बनना जो शुरू हो चुकी है तो वो कहाँ से आ, कब दौड़ेगी तो आ, उनके टाइम टेबल के अनुसार शेड्यूल्ड मतलब टाइम टेबल के अनुसार पहली ट्रेन पंद्रह अगस्त को टू थाउजेंड ट्वेंटी में मुंबई से अहमदाबाद को दौड़ेगी तो यहाँ पर आपका बुक का पेज नंबर फिफ्टी एट के ऊपर एक वर्ल्ड मैप रेलवे बोल के एक मैप दिया गया है यहाँ पर जो रेड कलर से है वो रेलवे के स्टेशन है एंड जो ब्लू कलर से मैप के अंदर जो ब्लू कलर से बताए गए हैं वो लाइंस जो है वो रेल्स है तो आपको इतने नेटवर्क्स आपको दिखाई देंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नेटवर्क कहाँ पर है तो यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में रेलवे के नेटवर्क है और एशिया में भी रेलवेज के नेटवर्क यहाँ पर दिखाई देंगे नेक्स्ट अब हम क्या पढ़े इंडिया में रेलवे कहाँ से कहाँ दौड़ती है किस स्पीड से दौड़ती दो, है बुलेट ट्रेन कब आने वाली है इंडिया में ट्रेन कौन इंट्रोड्यूस किया उसके बारे में पढ़ चुके हैं अब हम वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे वर्ल्ड में ट्रेन कहाँ से कहाँ दौड़ती है कहाँ पर नेटवर्क ज़्यादा है उसके बारे में पढ़ेंगे यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज मोर देन एनी वेयर एल्स इन द वर्ल्ड तो यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पर रेलवेज का नेटवर्क डेंस है डेंस मतलब बढ़ा ज़्यादा नेटवर्क है इतना नेटवर्क है नेटवर्क है कि मोर देन एनी वेयर एल्स इन वर्ल्ड जितना यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में रेलवे का नेटवर्क है जितने रेलवेज और रेल्स वहाँ पर है उतने रेल्स एंड रेलवेज दुनिया में कहीं भी नहीं है कंट्रीज लाइक चाइना एंड पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया डो नाट है रेलवे टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल तो दूसरे कंट्री में दूसरे देशों में लाइक चाइना एंड पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया उनके पास रेलवे का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको रेलवे की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती नीड्स मतलब ज़रूरत गरज इन यूएसए एंड कैनेडा मिनी ट्रेन कनेक्ट ईस्टर्न कोस्ट टू वेस्टर्न कोस्ट तो यहाँ पर जो यूएसए है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड कैनेडा ये यूनाइटेड स्टेट कहाँ पर है वेस्टर्न कंट्रीज में आता है एंड कैनेडा ईस्टर्न कंट्रीज में आता है तो ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट मतलब पूर्व तट कोस्ट मतलब तट पूर्व तट से पश्चिम तट को जोड़ने जोड़ने की जो कनेक्ट होता है रेलवे का लाइन वो यूएसए से कनाडा को कनेक्ट होता है जापान जर्मनी एंड फ्रांस हैव सम ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड रनिंग एट मोर देन फोर हंड्रेड किलोमीटर आवर तो जर्मनी जापान एंड फ्रांस ये जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेन भागती है मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रेन ट्रेन के स्पीड कहाँ कहाँ फास्टेस्ट ट्रेन भागते हैं तो जर्मनी जापान एंड फ्रांस में ट्रेन भागती हैं उनका स्पीड क्या होता है तो उनका स्पीड एक घंटे में वो फोर हंड्रेड किलोमीटर तक भागती है तो वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रेन है मतलब तेज दौड़ने वाली ट्रेन जापान जर्मनी एंड फ्रांस में अवेलेबल है टी फ्रेंच ट्रेन ग्रैंड विटेस हाई स्पीड ट्रेन इसका फुल फॉर्म है टी जी वी ऑफ फ्रांस इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड जो फ्रांस में टी नाम का जो ट्रेन है वो सबसे ज़्यादा फास्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा फास्ट दौड़ने वाली ट्रेन है मतलब सबसे ज़्यादा तेज दौड़ने वाली ट्रेन कहाँ पर है तो फ्रांस में टी नाम की जो ट्रेन है वो सबसे ज़्यादा तेज दौड़ती है यहाँ पर आपको एक पिक्चर बताया गया है वो टी ट्रेन है फ्रांस में जो है वो टी ट्रेन है ये ट्रेन सबसे ज्यादा तेज भागती है दुनिया में नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेट्रो सो स्टूडेंट वट इज मेट्रो मेट्रो मीन्स एन अंडरग्राउंड और एलिवेटेड रेलवे सिस्टम रनिंग विथ इन सिटी इज कॉल्ड मेट्रो तो मेट्रो क्या है मेट्रो हम किसे कहते हैं तो एन अंडरग्राउंड जमीन के अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर से और एलिवेटेड एलिवेटेड मतलब जो एरिया एलिवेटेड होता है जो एरिया उठान रहता है एरिया के ऊपर जो हिल्स टाइप रहता है एलिवेटेड जमीन के अंदर से और ज़मीन के ऊपर से जो रेलवे दौड़ती है कहाँ पर दौड़ती है विथ इन अ सिटी मतलब एक ही सिटी में जो रेलवे दौड़ती है उसे हम मेट्रो कहते हैं लंडन न्यूयॉर्क टोक्यो मॉस्को ई टी सी हाँ द मेट्रो सिस्टम तो लंदन में न्यूयॉर्क में टोक्यो मॉस्को ये जो सिटी है दुनिया में ये जो सिटीज़ है वहाँ पर मेट्रो ट्रेन अवेलेबल है इन इंडिया कोलकाता दिल्ली, चेन्नई जयपुर मुंबई लखनऊ बेंगलुरु एंड सम अदर सिटीज़ हैव द मेट्रो सिस्टम तो हमारे इंडिया में मेट्रो सिस्टम कहाँ पर है मेट्रो सिस्टम मतलब एक ही शहर में ट्रेन जो दौड़ती है चाहे वो अंडरग्राउंड जाना हो मतलब ज़मीन के अंदर से जाना हो टनल से होकर या ज़मीन के ऊपर से जाना हो एलिवेटेड एरिया हो मतलब थोड़ा सा एरिया हिल्स टाइप रहता है वैसा एरिया हो वहाँ से अगर दौड़ना है तो इंडिया में कौन कौन सी सिटीज़ में मेट्रो ट्रेन दौड़ती है जो ट्रेन दौड़ती है उसे हम मेट्रो ट्रेन कहते हैं वो ट्रेन इंडिया में कहाँ है तो कोलकाता दिल्ली, चेन्नई जयपुर मुंबई लखनऊ एंड बेंगलुरु में इन सिटीज में वो ट्रेन है और दूसरे भी सिटीज में ऐसे मेट्रो ट्रेन दौड़ती है तो एक पिक्चर है मेट्रो ट्रेन का जो इंडिया में दौड़ती है नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वाटरवेज। सो स्टूडेंट नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द रेलवेज विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन अर्थ सरफेस मतलब जो ज़मीन के ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा मेजर ट्रांसपोर्टेशन किससे यूज़ होता है तो ज़मीन के ऊपर रेलवे से होता है तो उसका यूज़ अब हम देख चुके हैं अभी जो पानी पानी के ऊपर जो वाटरवेज है उसके ऊपर जो वायु मार्ग जिसे हम कहते सॉरी पानी मार्ग जो रहता है हमें उसका हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में अभी जिसे हम जलमार्ग कहते हैं वॉटर वे मीन्स जल मार्ग उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अबाउट टू थर्ड ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विथ वाटर तो हमें पता है कि टू थर्ड सर्फेस अर्थ का जो टू थर्ड सर्फेस होता है वो पानी से कवर किया गया है दिस वाटर प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस लिंक विथ द लैंड मासिस ऑन द अर्थ लैंड मैसेस मतलब जमीन का जो बड़ा सा भाग होता है लाइक कॉन्टिनेंट महाद्वीप जैसा होता है तो ये वॉटर बॉड कंटिन्यूअस लिंक में होते हैं किसके महाद्वीप के मतलब महाद्वीप के आजू बाजू पानी ही होता है ना यहाँ पर आपको पिक्चर में भी वाटरवेज का जो पिक्चर है बुक का आपका बुक का पेज नंबर फिफ्टी नाइन के ऊपर वॉटर वेज का पिक्चर आपको बताया गया है तो ये लैंड मासिस मतलब जो महाद्वीप होते हैं उसके लिंक में अर्थ का जो सरफेस रहता है वो पानी के लिंक में रहता है मतलब जुड़ा हुआ रहता है पानी से दिस वाटर प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस लिंक विथ द लैंड मासिस मतलब वाटर लैंड मासिस से कंटिन्यूस लिंक है ये दिखाई देता है मतलब अब हमारा इंडिया का जो मैप है उसके उसको लग कर ही पानी है समुद्र का पानी जो है इसको लगकर ही मतलब हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया का जो अर्थ सरफेस है एंड जो समुद्र का पानी का जो सरफेस है उन दोनों के बीच में लिंक है ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं इन अर्ली टाइम्स द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट वर राफ्ट एंड बोट्स तो पहले के टाइम में पहले के टाइम में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो वाटर से होता था उसके लिए रॉफ्ट एंड बोट का यूज करते थे राफ्ट मतलब जो लकड़ी का एक बांबू की जो लकड़ी रहती है उसको बांधती है कैसा बांधते हैं बहुत सारी लकड़ी एक को एक एक को एक लकड़ी जोड़कर, एक को एक लकड़ी जोड़कर वो बांधती है और वो वो पानी में डालती है पानी के ऊपर वो तैरता है और इस तट से हम उस तट को जाते हैं तो उसे राफ्ट्स कहते हैं और बोट्स कैसे कहते हैं जो जहाज होता है छोटा जहाज होता है उसे हम बोट्स कहते हैं तो पहले वाटर uh, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता था तो राफ्ट्स एंड बोट्स के यूज़ से वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता था देन केम द सोल बोट विच वर पुस्ट बाय द विंड्स तो तब उसके बाद सॉयल बोट आई वो किसके यूज से भागती थी तो विंड्स विंड्स मतलब हवा के तेज से वो भागती थी जहाज यहाँ पर पिक्चर में आपको एक कार्गो शिप का पिक्चर बताया गया है इससे हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन का वाटर ट्रांसपोर्ट करना हो तो हम इसका यूज से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो सॉयल बोट कैसा होता है तो यहाँ पर पिक्चर में बताया हुआ है कि एक बोट होता है उसको ऊपर तक तो लकड़ियाँ बांधी हुई रहती है और उसको एक कपड़ा बंधा हुआ रहता है वो कपड़ा बनने के बाद जब हवा तेज आती है जिस आ, अगर हवा पश्चिम डायरेक्शन से आती है मतलब वेस्ट डायरेक्शन से आती है तो ये जहाज़ ईस्ट की ओर भागता है दौड़ता है अपने आप उसको आ, कुछ भी लेकर भगाने की जरूरत नहीं होती या उसको इंजन की ज़रूरत नहीं होती वो वैसे ही भागते रहता है हवा के यूज़ से वो भागते रहता है उसे हम सॉइल बोट कहते हैं तो स्टीम इंजन विथ व्हेन फिटेड द दिस बोट्स हेल्प देम टू मूव फास्टर एंड कैरी मोर गुड्स अभी अभी हमारे पास स्टीम इंजन आए हैं स्टीम इंजन की यूज से बोट्स के अंदर जो सामान रहता है वो सामान कैरी करने के लिए बोर्ड्स का यूज़ करते हैं हम वो स्टीम इंजन होने की वजह से हम अभी फास्ट उसका यूज़ करते हैं मतलब अभी शिप्स जो रहते हैं वो शिप्स अभी फास्ट भागते हैं मतलब दौड़ते हैं टुडे वी हैव वेरी बिग शिप्स दैट कैरी पीपल एंड कार्गो वन ऑफ द वन कॉन्टिनेंट टू अनदर कॉन्टिनेंट आजकल हम टुडे मतलब आजकल हम हमारे पास बहुत से बड़े बड़े शिप है बिग शिप मतलब बड़े शिप है दैट कैरी पीपल वो शिप क्या करते हैं पीपल को उसके अंदर बिठाकर कैरी कर सकते हैं लेकर जा सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसका यूज़ होता है एंड कार्गो वन फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर जो कार्गो नाम का भी मैंने आपको शिप बताया था वो शिप एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को जाता है मतलब कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप एक कार्गो नाम का जो शिप है वो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को जाता है और उसके अंदर पीपल भी बैठ सकते हैं हेवी सामान भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कार्गो शिप का इस्तेमाल करते हैं दीज शिप्स प्रोवाइड्स ऑल टाइप्स ऑफ कंफर्ट एंड फैसिलिटीज़ टू देयर पैसेंजर्स ये जो कार्गो नाम की शिप शिप जो रहते हैं उनके पैसेंजर्स को वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फैसिलिटीज देते हैं कंफर्टेबल मतलब सुविधाजनक उनको कंफर्ट लगता है अच्छा लगता है उनको जो चाहिए वो मिलता है फैसिलिटीज सुविधा फैसिलिटीज मतलब सुविधा देते पैसेंजर मतलब प्रवासी जिसे हम कहते हैं यहाँ पर आपको पिक्चर में बताया हुआ है कि वाटर वर्ल्ड मैप वाटर वेज मतलब वर्ल्ड का जो मैप है वो जल मार्ग से कैसा दिखता है तो यहाँ पर पिक्चर में आपको बताया गया है आपका बुक का पेज नंबर फिफ्टी नाइन के ऊपर भी ये available here picture next we will see the what is the advantages and disadvantages of the water ways so uh, water ways are cheaper than other means of transport तो वाटर वेज जो है वो cheap है cheap है मतलब ज़्यादा costly नहीं है ज़्यादा खर्च नहीं होता थोड़ा ही खर्च आता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट के लिए दे डो नॉट रिक्वायर बिल्डिंग्स ऑफ ट्रक्स और रोड्स उनके लिए हमें रोड बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और बिल्डिंग की भी कोई मतलब ट्रक के जो डिब्बे रहते हैं है, उसको भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसलिए वाटरवेज ज़्यादा चीप है मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं आता दे ओनली नीड पोर्ट्स फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग फैसिलिटीज़ तो उनको चा, क्या चाहिए होता है तो उनको सिर्फ पोर्ट्स चाहिए होते हैं लोड करने के लिए और अनलोड करने के लिए इंसान चाहिए होते हैं सामान भरने के लिए और सामान उतरने के लिए उनको उतना ही पोर्ट्स का ही यूज़ लगता है डिसएडवांटेजेस तो इसका डिसएडवांटेजेस क्या है वाटरवेज का जलमार्ग का द ओनली शॉर्ट कमिंग ऑफ दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इट इज़ इट्स स्लो स्पीड इसका डिसएडवांटेजेस क्या है तो जल मार्ग से हमें ट्रैवलिंग करने के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है इसका स्पीड बहुत ही स्लो रहता है इसीलिए ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है तो अब हम दुनिया में जो मेजर रूट्स है जो जल मार्ग के मेजर रूट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे सम ऑफ द मेजर सी रूट्स आर एज बिलो द नॉर्थ एटलांटिक रूट एक नॉर्थ एटलांटिक जो रूट है इट लिंक्स वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका इट इज़ द बिजेस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड ये जो नॉर्थ अटलांटिक रूट है नॉर्थ अटलांटिक रूट कहाँ पर है तो अटलांटिक uh, समुद्र में है महासागर में है ओशियन में है अटलांटिक ओशन में जो नॉर्थ अटलांटिक रूट है इसका जो लिंक है वेस्टर्न यूरोप से नॉर्थ अमेरिका तक इसका लिंक है ये वाटरवेज वेज में जलमार्ग में सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट रूट है बिजिएस्ट मतलब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शिप आते जाते रहते हैं वर्ल्ड में सबसे बड़ा सी रूट कहाँ है तो नॉर्थ अटलांटिक में है द स्क्यूज कैनल रूट इट लिंक द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी ये जो स्क्यूज कैनल का जो रूट है वो कहाँ पर है तो मेडिटेरियन सी एंड रेड सी के कैनल में आता है दिस कैनल वॉज बिल्ट इन 1869 ये कैनल कहा कब शुरू हुआ तो ये कैनल कब बांधा गया तो 1869 में बांधा गया दिस कैनल हैज कंसिडरेबल रिड्य टा ट फ्रॉम इंडिया तो दिस कैनल हैज़ कंसिडरली रिड्यूस्ड द टाइम टेकन टू गो टू इंग्लैंड फ्रॉम इंडिया इसका यूज़ क्या है तो इस कैनल से अगर हम जाते हैं तो इंग्लैंड से इंडिया को आने के लिए और इंडिया से इंग्लैंड को जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता प्रिवियसली वन हैड टू गो वाया द केप ऑफ गुड होप मतलब पहले ज़्यादा टाइम लगता था uh, कम से कम कितना टाइम लगता था तो प्रीवियसली इट टूक अबाउट सिक्स मंथ टू रीच इंग्लैंड बाय दिस रूट तो ये स्क्यूज कैनल होने से पहले हमें इंग्लैंड से इंडिया आने के लिए और इंडिया से इंग्लैंड को जाने के लिए कम से कम छः महीने लगते थे बट नाउ थ्रो स्क्यूज कैनल इट टेक अबाउट टू वीक्स टू रीच इंग्लैंड बट ए स्क्यूज कैनल जो है उसके यूज से अब हमें ओनली टू वीक्स लगता है मतलब पंद्रह दिन ही लगता है इंग्लैंड को जाने के लिए नेक्स्ट है द पनामा कैनल रोट द पनामा कैनल रोट द द पनामा कैनल जॉइंस द अटलांटिक ओशियन विथ द पैसिफिक ओशियन ये पनामा कैनल रूट कहाँ पर है तो अटलांटिक ओशियन से पैसिफिक ओशियन को ये जॉइन करता है मतलब वहाँ से अटलांटिक ओशियन से पैसिफिक ओशियन को जाने के लिए पनामा कैनल का रूट का यूज़ होता है इट वॉज़ ओपनड इन 1914। एक ये कब ओपन हुआ तो 1914 में ये ओपन हुआ अर्लियर द शिप हैड टू गो टू वाया केप हॉर्न साउथन टिप ऑफ साउथ अमेरिका पहले ये शिप कहाँ से कैसे जाते थे वाया जाती थी मतलब दूसरे मार्ग से जाते थे वाया मतलब मार्ग किस मार्ग से जाते थे तो साउथर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका जो अमेरिका का उत्तर टिप है वहाँ से साउथ अमेरिका को जाते थे दिस रूट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम तो ये जो साउथ अमेरिका का जो टिप है वहाँ से जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता था वेरी लॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेता था नाउ इट टेक जस्ट एट आवर्स बट अब वो कितना टाइम लेता है तो ओनली एट आवर्स मतलब आठ घंटे ही टाइम लेता है कहाँ से कहाँ जाने के लिए अटलांटिक ओशियन से पैसिफिक ओशियन को रिच होने के लिए ओनली एट आवर्स लेता है इन इंडिया गंगा ब्रह्मपुत्र आर यूज एज अ लैंड वाटरवेज तो अब हमारे इंडिया में कौन से वाटरवेज है वाटरवेज मतलब जलमार्ग है तो गंगा से ब्रह्मपुत्रा गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा ये हमारे इंडिया के लैंड वाटरवेज है मतलब सी वाटरवेज है इंडिया के जलमार्ग है गंगा और ब्रह्मपुत्रा द लगुन ऑफ केरला आर ऑल्सो यूजड फॉर नेविगेशन नेविगेशन के लिए लगुन जो है आ, केरला में है उसका यूज किया जाता है हांग हो इन चाइना राइन एंड डानोबे इन यूरोप नाइल एंड कॉन्गो इन अफ्रीका एंड एमेजोन इन साउथ अमेरिका यूज एज अ वाटरवेज तो हांग हो इन चाइना और राइन डानोबे इन यूरोप चाइना में हुन हुए जलमार्ग का इस्तेमाल किया जाता है राइन एंड डानुबे ये यूरोप में इस्तेमाल किया जाता है इस मार्ग का जलमार्ग का नाइल ना से कांगो तक जो जलमार्ग है वो अफ्रीका में यूज किया जाता है अमेजोन इन साउथ अमेरिका में जलमार्ग का यूज किया जाता है तो भारत में कहाँ यूज होता है जलमार्ग का तो गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने के लिए जलमार्ग का यूज होता है वाटर ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन कंट्रीज तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर ट्रांसपोर्टेशन वो कहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल है वाटर ट्रांसपोर्टेशन का तो ये कॉमर्स में इसका इम्पोर्टेंट होता है ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन द कंट्री वहाँ पर इस्तेमाल होता है यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कॉस्ट लाइन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंडिया का जो भूकोल है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इसका लॉन्ग कॉस्ट लाइन मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा तट है तट है मतलब जो पानी और ज़मीन का मिलन होता है वहाँ पर उसे हम तट कहते हैं तो इंडिया की तीन साइड से पानी है और एक साइड से ज़मीन है इसलिए हम सी जलमार्ग के बारे में ज़्यादा इंडिया में जानते हैं देर आर लेवन मेजर पोर्ट्स इन इंडिया मुंबई चेन्नई कोलकाता कोची विशाखापट्टनम आर यूज आर यूजड एज ए सम ऑफ द मेजर पोर्ट्स ये जो पोर्ट्स है पोर्ट्स मतलब जो स्टेशन रहते है जो शिप के स्टेशन रहते हैं उसे हम पोर्ट्स कहते हैं तो इंडिया में ग्यारह मेजर पोर्ट्स हैं मतलब सबसे बड़े ग्यारह स्टेशन हैं शिप के जलमार्ग के वो कहाँ पर है तो मुंबई चेन्नई कोलकाता कोची विशाखापटनम ये यहाँ पर उसके पोर्ट्स हैं तो so स्टूडेंट आज हम इस चैप्टर में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ चुके हैं और लैंड uh, से जो ज़मीन से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो रेलवे से होता है एंड जो वाटर से ट्रांसपोर्ट होता है वो शिप से होता है तो हम जलमार्ग के बारे में पढ़ चुके हैं और जमीन से जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास सो थैंक यू